हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। स्वागत है आपका, मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। आज कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे पीएम, पूर्वोत्तर राज्यों के सीएम से करेंगे बात, 11 बजे पीएम की समीक्षा बैठक। प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। आज गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल, दोपहर 1:30 बजे चंडीगढ़ से होंगे रवाना, करीब 2:40 पर पहुंचेंगे गुरुग्राम, शाम 4 बजे लेंगे ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग, जन समस्याएं सुनेंगे सीएम। देश भर में ईंधन की कीमतों पर महंगाई की मार जारी है, पेट्रोल चरम पर पहुंच गई है। वहीं डीजल की कीमतों में सोमवार को करीब 3 महीने बाद गिरावट दर्ज की गई है, तेल कंपनियों ने सप्ताह के पहले दिन यानी कि 12 जुलाई को पेट्रोल के रेट में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, वहीं डीजल 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। हर रोज बढ़ती महंगाई की वजह से आम लोग बेहद परेशान, सोमवार को भी पेट्रोल के दाम 28 पैसे बढ़ा दिए गए, लेकिन इसी के साथ 16 पैसे डीजल के दाम घटाए गए, जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन आम लोगों को इस राहत से बिल्कुल भी खुशी नहीं मिली है। कुछ किसानों से जब हरियाणा न्यूज ने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे थे, 16 पैसे दाम घटाकर सरकार ने हमारे साथ मजाक किया है। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में डायल 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ किया। सीएम मनोहर लाल ने डायल 112 परियोजना के संचालन के लिए नवनिर्मित अत्याधुनिक स्टेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर का भी उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और डीजीपी मनोज यादव भी मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पंचकुला से मोबाइल डेटा टर्मिनल से लैस 601 इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डायल 112 की लॉन्चिंग पर बोले सीएम मनोहर लाल, प्रदेश भर में लोगों को मिलेगी हर तरफ की मदद, अब कोई भी खुद को बेसहारा नहीं समझेगा, हर अपराधी को मिलेगी कड़ी सजा। सोमवार को टोहाना में हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने डायल 112 योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से आम जनता के लिए डायल 112 सुविधा की शुरुआत की गई है। सुभाष बराला ने बताया कि 112 नंबर डायल करने के बाद प्रदेशवासियों को फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस की तुरंत सुविधा मिलेगी, जिसके बाद किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सोमवार को लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोक निर्माण भवन में आम लोगों की समस्याएं सुनी, इस जनता दरबार में लोगों की शिकायतों का निवारण भी किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने पत्रकारों से कई मुद्दों पर बातचीत हुई की, किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के अंदर कानून बनाने का अधिकार सरकारों का है, साथ ही कहा कि कुछ लोग देश बदलकर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं और किसानों को बदनाम कर रहे हैं। उधर कांग्रेस को घेरते हुए जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस के साथ जनता का जुड़ाव खत्म हो चुका है, सिर्फ सोशल साइट के माध्यम से कांग्रेस का नेता बयान देते रहते हैं। हरियाणा और दिल्ली के बीच पानी को लेकर एक बार फिर तकरार शुरू हो गई है। इसी बीच गृहमंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल ने झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है। उन्होंने कोरोना काल के दौरान भी झूठ बोलकर ज्यादा ऑक्सीजन लेने का काम किया था और अब फिर से पानी के बंटवारे को लेकर हरियाणा पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी की आपूर्ति लगातार की जा रही है। विज ने कहा कि दिल्ली के सीएम अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए हरियाणा पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उधर किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक आंदोलन, जुलूस और भूख हड़ताल करने का अधिकार हर किसी को है, अगर कोई आंदोलन की आड़ में हिंसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता अथॉरिटी के चेयरमैन केशनी आनंद अरोड़ा ने की। बैठक के दौरान प्रदेश में जलभराव, गिरते भूजल स्तर की पहचान करने पर चर्चा की गई। प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर इंटीग्रेटेड वाटर प्लान बनाने पर सहमति हुई। इसके अलावा गांव स्तर पर भी अगले दो साल में जल संरक्षण बनाने की एक योजना तैयार की गई। इस अवसर पर केशनी आनंद ने बताया कि प्रदेश के रोहतक, झज्जर और सोनीपत में जल ठहराव की दिक्कत है, जबकि कई जगहों पर पानी की भारी की कमी है। ऐसे में अथॉरिटी का मकसद लोगों में जागरूकता फैलाकर जल संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। हरियाणा और दिल्ली के बीच पानी को लेकर एक बार फिर से कलह शुरू हो गई है, जिस पर अब हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सतबीर कादियान का कहना है कि प्रदेश में पानी की कमी के बावजूद भी दिल्ली को पूरा पानी दिया गया है। लेकिन हरियाणा का आभारी होने की बजाय दिल्ली सरकार कम पानी देने का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को कुल 794 क्यूसेक पानी देना होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 1996 के फैसले के बाद 330 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिया जा रहा है। तस्वीर कात्यान ने कहा कि मॉनसून की देरी के चलते हरियाणा में भी पानी की किल्लत हो गई है। यमुना में 40% कम पानी आ रहा है, वहीं भाखड़ा से भी हरियाणा को 25% कम पानी मिल रहा है। रणजीत सागर झील में भी 35% कम पानी है। पंचकुला के नागरिक अस्पताल में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉक्टर वीणा सिंह ने बताया कि हरियाणा में लगभग 5,05,000 गर्भवती महिलाएं हैं, लेकिन अभी गर्भवती महिलाओं में टीकाकरण को लेकर काफी झिझक है, जिसे दूर करने के लिए आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, ANM, पंचायत की मदद ली जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ये सामने आया कि गर्भवती महिलाओं के कोरोना पीड़ित होने पर उन्हें बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा 19 जुलाई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि होटल, धार्मिक स्थल, स्कूल, जिम और सिनेमा को राहत दी गई, जिसके बाद अब प्रदेश में 16 जुलाई से स्कूल खोलने का रास्ता साफ हो गया है। स्कूल खोलने को लेकर रोहतक जिले की छात्राओं का कहना है कि स्कूल बंद होने के चलते उनकी पढ़ाई काफी प्रभावित हुई है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब कुछ हद तक कम होता दिखाई दे रहा है। हालांकि साइबर सिटी गुरुग्राम में दूसरी लहर का असर उद्योग जगत के साथ ही पीजी और किराए पर मकान देने वाले लोगों पर भी दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि एक समय जहां पर किराए के मकान और व्यवसायिक गतिविधियों के ऑफिस और पीजी खचाखच भरे हुए होते थे, वहीं आज आधे से ज्यादा किराए के मकान, गेस्ट हाउस, पीजी और व्यवसायिक गतिविधियों के ऑफिस खाली पड़े हुए हैं। रोहतक में हरियाणवी बोली के माध्यम से प्रदेश के लोक साहित्य एवं संस्कृति के प्रति उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को लोक कवि दयाचंद माइना सम्मान के तहत अब हरियाणा सरकार 2 लाख का पुरस्कार देकर सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस घोषणा से रोहतक जिले के माइना गांव में महाशय दयानंद दयाचंद का परिवार फूला नहीं समा रहा। परिवार का कहना है कि इससे महाशय दयाचंद माइना को उनका खोया हुआ सम्मान दोबारा से वापस मिल जाएगा, क्योंकि दयाचंद माइना को यह सम्मान दिलवाने के लिए उन्होंने काफी लंबी लड़ाई लड़ी है। बादली में नशे के खिलाफ अभियान को लेकर एक पंचायत का आयोजन किया गया। युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर लोगों ने पंचायत की थी, जिसके बाद पंचायत के लोगों ने झज्जर के SP राजेश दुग्गर और DSP राहुल देव से मुलाकात की और पुलिस के बड़े अधिकारियों को नशे की बढ़ती परेशानी से अवगत कराया।
डीएसपी और एसपी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 15 दिनों के अंदर ही गांव से नशे को खत्म कर दिया जाएगा। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हम पुलिस को 20 दिन का समय देते हैं, लेकिन अगर तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो ग्रामीण खुद ही मोर्चा संभालेंगे। कैथल में सोमवार को आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन ने लघु सचिवालय पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने शिकायत रखते हुए कहा कि सरकार उन पर पोषण ट्रैक ऐप डाउनलोड करने का दबाव बना रही है और सारा काम ऑनलाइन करने के लिए कहा जा रहा है। इससे उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसके लिए उन्हें स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएं और उसके लिए रिचार्ज कम से कम 500 रुपए महीना दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया बढ़ाने की भी मांग की, साथ ही केंद्र के अंदर सुविधाओं की भी मांग की गई है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते पिछले 3 महीनों से बंद पड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा में राहत मिलने के बाद सोमवार से शुरू हो गए। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी काफिले के साथ सोमवार को इंद्री पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार शर्त लगाकर किसानों से बात नहीं करना चाहती। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि संसद भवन के अंदर एक तरफ संसद की कार्रवाई होगी तो वहीं दूसरी तरफ किसान संसद के बाहर अपनी संसद चलाएंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने किसानों की बात को नहीं सुना तो फिर दोनों तरफ से तबाही होगी, जिसकी जिम्मेदारी सत्ता में बैठे हुए लोगों की होगी। पंचायत चुनाव में देरी पर चडूनी ने कहा कि सूपड़ा साफ होने के डर से सरकार की ओर से पंचायत चुनाव नहीं कराए जा रहे। किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए पंजाब से चलकर एक जत्था दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने बीजेपी नेताओं के विरोध पर कहा कि बीजेपी के नेता हर जगह पंगा लेने जाते हैं और इनकी भाषा भी बेकार है। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों में अभी भी रोष बरकरार है और वहीं जोश भी है। चडूनी ने पंजाब में चुनाव लड़ने वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैंने ये कहा कि पंजाब के जत्थेबंदियों को आगे लगना चाहिए। कुरुक्षेत्र में किसानों ने पुलिस के विरुद्ध मोर्चा खोला। किसानों को पुलिस कर्मचारियों द्वारा मारपीट कर जख्मी करने और घंटों तक हिरासत में रखने, जख्मी हालत में उपचार न कराने के आरोप में पुलिस थाने में शिकायत की गई है। किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर आरोपी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो किसान 15 जुलाई के बाद बड़ा आंदोलन करेंगे। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री कमलेश धांडा के जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लिए जाने को लेकर किसान वहां पहुंचे और विरोध किया, तब पुलिस ने किसानों के साथ बदसलूकी की, ऐसा किसानों का आरोप है। देश भर में महंगाई अपने चरम पर है। पिछले काफी समय से रसोई गैस सिलेंडर के दामों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसको लेकर महिलाओं ने सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। महिलाओं का कहना है कि बीजेपी को इसलिए सत्ता सौंपी गई थी कि महंगाई पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत आए हैं। महिलाओं का कहना है कि एक तो कोरोना काल में लॉकडाउन की मार के चलते सारे काम धंधे चौपट हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी आम लोगों को महंगाई की मार से त्रस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। गोहाना में सोमवार को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला पदाधिकारियों ने कई विभागों के कर्मचारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान बताया गया कि आने वाली 15 जुलाई को ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाएंगे। फरीदाबाद के गोल्फ क्लब पर हरियाणा टूरिज्म के कर्मचारी इकट्ठा हुए और 3 महीने का वेतन न मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया गया।
हरियाणा टूरिज्म के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश नौरा ने कर्मचारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया कि आने वाली 15 तारीख को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर सभी जिला उपायुक्तों को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार टूरिज्म को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। पानीपत के सिंगर पंकज के अचानक गायब होने से परिवार में हड़कंप। 1 महीने बाद ही पंकज की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले परिवार में मातम पसर गया। सीसीटीवी में आखिरी बार पंकज को रविवार शाम 5:50 पर देखा गया था। इधर सिरसा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आह्वान पर छात्रों ने बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के समक्ष नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर मलिक के पुतले की शव यात्रा भी निकाली। हालांकि विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारी छात्रों को मेन गेट पर रोक दिया, लेकिन आक्रोशित छात्र दीवार को फांदकर विश्वविद्यालय में घुस गए। इसके बाद छात्रों ने वीसी कार्यालय के समक्ष पहुंचकर धरना दिया। आपको बता दें कि छात्र परीक्षा में NE5 प्रश्न का ऑप्शन दिए जाने की मांग कर रहे हैं, साथ ही ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षा भी करवाने की मांग कर रहे हैं। स्कूलों में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। दरअसल हरियाणा सरकार ने 16 जुलाई को स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए, लेकिन सरकार ने साथ में यह भी कहा कि जो छात्र ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, जो ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। जिसे लेकर हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वे एक साथ दो तरह से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ये उनके लिए संभव नहीं। सिरसा और कैथल में अपने मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन के सदस्यों ने सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी वर्कर ने सरकार पर बेवजह प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने स्मार्टफोन दिए जाने और पोषण ट्रैक ऐप डाउनलोड करने का दबाव न बनाने की मांग की। वहीं कैथल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को घेरा। इसके साथ ही उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया बढ़ाने की भी मांग की, साथ ही केंद्र के अंदर सुविधाओं को बढ़ाने की भी गुहार लगाई गई। कैथल में रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ बदमाशों ने दुकानदारों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मामले में एक पीड़ित महिला ने बताया कि सालों से उनका परिवार यहां काम करता रहा है, लेकिन कुछ बदमाश उन पर वहां से जगह खाली करने का दबाव बना रहे हैं। जब उन लोगों ने विरोध किया, बदमाशों ने उन पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। करनाल पुलिस ने फिरौती मांगने के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने बताया कि वे दलेर सिंह के लिए काम करते हैं। दलेर सिंह वैसे तो असंध का रहने वाला है, लेकिन अमेरिका से गिरोह को चला रहा है। पुलिस को इस गिरोह के बारे में उस वक्त पता चला जब बदमाशों ने असंध इलाके में निजी अस्पताल चला रहे डॉक्टर राजेश और डॉक्टर संदीप को फोन करके जान से मारने की धमकी देते हुए फिरौती की मांग की थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जाल बिछाया और बदमाशों को फिरौती लेते रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 42 लाख रुपए की बरामद किए। तीनों वसूली की रकम को हवाला के जरिए मास्टरमाइंड दलेर तक पहुंचाते थे। हिसार रेंज के आईजी राकेश कुमार आर्य ने सिरसा का दौरा किया। आईजी ने एसपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आईजी ने रविवार को किसानों और पुलिस के बीच हुए घटनाक्रमों को लेकर कई स्थानों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। फरीदाबाद में नगर निगम के जेई और एसडीओ ने पार्षद और उसके पिता के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। जेई और एसडीओ ने पार्षद और उसके पिता के खिलाफ एक्सचेंज के साथ धक्का मुक्की की और अभद्रता करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर जेई और एसडीओ ने पार्षद की गिरफ्तारी की मांग की, साथ ही चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई नहीं की जाती तब तक उनका यह विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। फतेहाबाद में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा। नगर परिषद कार्यालय में लोगों और कर्मचारियों के बीच हुई हाथापाई। प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप। बहादुरगढ़ में पति ने चाकू से गोदकर की पत्नी की हत्या। घरेलू कलह के चलते दिया वारदात को अंजाम। मृतका के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला।
फतेहाबाद पुलिस ने एक युवक को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक की पहचान महमड़ा के रहने वाले रिंकू के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 7 बाइकें बरामद की। डीएसपी ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। दिसंबर 2020 को हिजरावा कला के रहने वाले शख्स ने बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे खुलासा हुआ कि उसने ये बाइकें फतेहाबाद, रतिया, सिरसा और पंजाब से चोरी की थी। गुरुग्राम पुलिस ने शातिर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश लोगों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने उनसे लूटपाट करते थे और फिर सुनसान सड़क पर लोगों को छोड़ देते थे। पुलिस को इस मामले की सूचना मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने ऐसे कई बदमाशों को पहले भी गिरफ्तार किया था जो लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को लूट की शिकायतें मिलती रहीं, जिसमें पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए कामयाबी हासिल की। पकड़े गए तीनों बदमाश राजस्थान के हैं, जो हरियाणा में भी वारदात को अंजाम देते थे। ये बदमाश सिर्फ गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में ही 20 से ज्यादा लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। प्रदेश भर में किडनैपिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा एक मामला अंबाला से सामने आया, जहां 60,000 रुपए की लेनदेन को लेकर एक युवक को किडनैप किया गया। पीड़ित किसी तरह अपहरणकर्ता के चंगुल से भाग निकला और पुलिस के पास पहुंचा। पीड़ित ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि युवक के शरीर पर मारपीट के घाव पाए गए। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुट गई है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर गांव शमगढ़ के पास ट्रॉले ने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक साथी बाल बाल बच गया। मृतक युवक बरेली उत्तर प्रदेश।